चंद्रपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव रविवारी पार पडला. संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांची उत्सवाला उपस्थिती होती. कार्यक्रमात शस्त्रपूजनासह संघाच्या दंड विविध व्यायाम प्रकार आणि घोष पथकाचे सादरीकरण करण्यात आले. सुनील आंबेकर यांनी आपल्या उद्बोधनात भारताच्या विविधतेत एकसंध हिंदुत्वाची चर्चा केली. जग नव्या पिढीकडे इंटरनेटमुळे सहज येणाऱ्या आपत्तीजनक साहित्याने चिंतित असून हे तंत्र संस्कृती सभ्यता बदलत असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. तंत्र शरण न होता तंत्रावर नेतृत्व गाजविण्याची गरज असल्याचे मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केले. अलग अलग समय पर भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, उनके झांसे में न आते हुए संपूर्ण समाज को अपनी एकता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, ताकि समाज का किसी को भी नेतृत्व करना है तो ये समझ जाए कि अगर मुझे हिंदू समाज इस भारत में नेतृत्व करना है तो मुझे भारत के श्रेष्ठता की, इस धर्म संस्कृति हिंदुत्व के एकता की बात करनी होगी. ऐसा एक दृश्य समाज में उत्पन्न करने की आवश्यकता है. आज इस बात के लिए जो लोग भी आजकल, एक बात भी आती है, बहुत सारे इंटरनेट के साधन आए हैं, उसके माध्यम से भी बहुत सारी सामग्री सीधे हमारे तक पहुंच जाती है, बच्चों तक भी पहुंच जाती है. और इसलिए ये हमारे संस्कारों की जो साधना हमारे हर परिवार में अपने बच्चों के लिए चल रही होती है, उसमें बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर रही है. अनचाहे अनजाने में कहीं ना कहीं एक गलत दिशा, गलत संस्कार का परिचय, गलत बातों का परिचय बच्चों के जीवन में हो जाता है. और इसलिए पूरी दुनिया में बहुत सारे देश इसकी चिंता में है. बहुत सारे देशों ने इस पर अलग अलग तरीके से नियंत्रण की व्यवस्थाएं बनाई हैं और बनाने का विचार कर रहे हैं. हम जो साधना करना चाहते हैं अपने हर परिवार में अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार देने की, उसके लिए निश्चित रूप से बाधक हो रहा है. इसलिए नई तकनीकी का स्वागत है, नई तकनीकी का उपयोग निश्चित करना चाहिए, परंतु निश्चित रूप से तकनीकी हमारे जीवन और हमारे संस्कृति को तय नहीं कर सकती है. हम अपने संस्कृति और अपनी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी का उपयोग करेंगे. ये जो मनुष्य के नाते, एक सभ्य व्यक्ति के नाते, एक सुसंस्कृत व्यक्ति के नाते, उसके ऊपर अपना नेतृत्व स्थापित करने की आवश्यकता है.